All content in this video is purely for informational and educational purpose only. Trading in stock market is a risky business. Consult your financial advisor before investing and trading. Hello traders, welcome to VPF Financial YouTube channel. Today this video is for stock ideas. So without wasting time, let's begin. शुरू करते हैं आज का video. Traders, आज के जो observations हैं हमारे जो stock ideas हैं, वो सब daily time frame पे हैं. उसके पीछे reason एक simple सा reason है कि कल बड़ा event है. So, छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना कल के लिए दैट विल बी नो यूज, क्योंकि अगर आप जिस हिसाब से ट्रेड करोगे हो सकता है वॉलेटिलिटी की वजह से उसमें स्टॉप लॉस लग जाए या मूवमेंट पूरी निकल जाए या गैप अप हो जाए, गैप डाउन हो जाए. सो हम डेली टाइम फ्रेम पे इसलिए फोकस कर रहे हैं कि एटलीस्ट एक टाइम मिलेगा हमको डिसाइड करने के लिए कि ट्रेड कैसे करना है, क्या करना है, और उस रेंज के हिसाब से, वो स्ट्रेटेजी के हिसाब से हम उसमें काम कर सकते हैं. सो लेट्स बिगिन. आज का हमारा पहला स्टॉक है LIC. ट्रेडर्स, जो हम आपके साथ डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेड जो आपके साथ शेयर करते हैं, तो उसमें ऐसा नहीं है कि स्विंग ट्रेडर ही ट्रेड कर सकते हैं. सी, हमारा जो काम है मेन, आप लोग काफी कमेंट करते हो कि सर आप कभी 30 मिनट्स कभी डेली टाइम फ्रेम पे आप शेयर करते हो, इसका मतलब क्या हुआ? सी ट्रेडर, हमारा मोटिव आपको टिप्स वगैरह देना या शॉर्टकट में लाखों करोड़ रुपए कमा के देना, वो कुछ मकसद नहीं है हमारा. हमारा मकसद ये है कि आपको जितना हो सके, आप कोई भी चार्ट रीड करें तो आपको हमारी बातें रिकलेक्ट हो कि हमको क्या क्या चीजें दिमाग में रखनी है अगर हमको प्राइस एक्शन के थ्रू हमको ट्रेड करना है, लॉजिक्स क्या क्या बैठते हैं स्टॉक पे, ये सब स्टोरी एक क्लियर आपको, ये मेरा स्टॉक है, ये एट प्रेजेंट करंटली क्या बता रहा है, ये कैंडल स्टिक्स है, ये क्या इंडिकेट करने की कोशिश कर रहा है, इसके जो एक्शंस है, ये जो प्राइस जिस हिसाब से मूव हो रहा है वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है. हम जस्ट नरेटर है, ये राइटर है, हम नरेटर है और आप लिसनर हो, आपको उस हिसाब से एक्ट करना है. इसमें से आप कोई भी शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश मत कीजिए कि वीपी फाइनेंशियल या कोई बड़े बड़े यूट्यूबर्स मेरे को टिप्स देंगे, मैं कल मॉर्निंग में उठ के उस पर ट्रेड करूंगा और मैं पैसे कमाऊंगा. आप पैसे कमा भी रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नुकसान कर रहे हो तो वो आपका डिसीजन है. आप इसके ऊपर डिपेंड होकर आप ट्रेड मत कीजिए. आपके साथ हमारा ट्रेड, हमारा शेयर करने का मकसद ये है कि आपको लॉजिक, वो आप एक बार लॉजिक पकड़ लिया आपने तो उसमें से आपको जिंदगी भर बैठ के खाना है. सो फोकस कीजिए पहले लर्निंग के ऊपर. ऑलराइट, सो ये हमारा ट्रेड है पहले आज का. सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये हमारा लो है, ये हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, अगेन हायर लो. रीजन नंबर वन, क्लियर अप ट्रेंड. रीजन नंबर टू, अगर मैं इसके सपोर्ट्स को ज्वाइन करता हूं तो कल यहां पर बड़ा सा कैंडल था इसलिए हमने इसको इंक्लूड नहीं किया था. ऑलराइट, एंड आज अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम देखिए आप क्या आया है वॉल्यूम, और उसके अगेंस्ट में यहां पर क्लियर फाइट हो रही है. दैट मींस यहां पर कुछ तो पकड़ा है, बायर्स और सेलर्स का क्लियर जंग चल रहा है. सो हम कंफर्मेशन के लिए ये स्टॉक को बाय करेंगे आज का जो हाई है उसके ऊपर. ट्रेडर्स, अगर दूसरी चीज आप ध्यान से देखेंगे तो ये मदर बेबी कैंडल है, ये मदर कैंडल है और ये बेबी कैंडल है, इसके अंदर पूरा का पूरा कैंडल है ये. ऑलराइट, सो कंफर्मेशन के लिए आज का जो हाई है उसके ऊपर हम बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे जो कि 452.25 है, बट हम 453 कंसीडर करते हैं. 453 स्टॉप लॉस रखेंगे ये लेवल के नीचे, जो 433 है लेट्स कंसीडर 432, एंड टारगेट जैसा कि आप जानते हो कि फर्स्ट हमारा टारगेट होता है रेजिस्टेंस. जो रेजिस्टेंस यहां पर आप देख सकते हो क्लियरली, ये रेजिस्टेंस है हमारा. सो यू नीड टू कंसीडर दिस एज अ टारगेट जो आ रहा है हमारा 492 के आसपास. सेकेंड टारगेट इसके ऊपर का जो रेजिस्टेंस रहेगा वो आएगा, जो कि आ रहा है आपका, ये रेजिस्टेंस आ रहा है लाइक ये जोन 525 का. राइट, 453 के ऊपर बाइंग अपॉर्चुनिटी, 432 का स्टॉप लॉस, 492 का पहला टारगेट, 525 का दूसरा टारगेट. इसमें से अभी हमारे एक लॉजिक तो ये हो गया कि हम लोगों का अप ट्रेंड है, सेकंड लॉजिक ये हो गया कि सपोर्ट पे है क्लियर,
थर्ड लॉजिक ये हो गया कि यहां पर बाइंग दिख रही है, क्लियर, ये वॉल्यूम दिख रहा है हमको। चौथा लॉजिक, अगर जो आप ये इसमें दो पॉइंट्स है चौथे लॉजिक पे, अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पे जाता हूं तो देखिए ट्रेडर्स, रेजिस्टेंस 1, 2, 3, 4 एंड फाइनली अ ब्रेकआउट अलोंग विथ वॉल्यूम कंफर्मेशन। सो यहां पर छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करने वाला ट्रेडर भी ट्रेड कर सकता है। एक बार आपको ट्रेंड समझ में आ गया कि मुझे लगता है कि ये स्टॉक क्लियर लग रहा है कि अब अप ट्रेंड जा रहा है डेली टाइम फ्रेम पे, तो आपको सिर्फ सिंपल सी काम करना है कि 30 मिनट, 15 मिनट, जो भी आप ट्रेंड फॉलो करते हो उस पर आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी कलेक्ट करनी है कि जितने से जितना ज्यादा हो गए। समझ लीजिए अभी डेली चार्ट पे आपका आपका दिख रहा है आपको अप ट्रेंड है, अब मैं 5 मिनट्स के चार्ट पे ट्रेड करता हूं, तो आपको हर 5 मिनट्स के लाइक फ्लैग पैटर्न पे ब्रेकआउट पे आपको बाय करना है, या हायर हाईज एंड हायर लोज दिखा आपको 5 मिनट्स के चार्ट पे, तो आपको यहाँ सपोर्ट से बाय करना है छोटा सा स्टॉप लॉस लेके। तो ये प्रोबेबिलिटीज आपको ढूंढनी है। फिर एक बार आपको बड़ा ट्रेंड समझ में आ गया तो छोटे ट्रेंड पे आपको ट्रेड करते रहना है आपका जिस हिसाब से आपका टाइम फ्रेम कंफर्टेबल है। राइट, नेक्स्ट स्टॉक है आज का हमारा L&T। अगर मैं ये रेजिस्टेंस को ज्वाइन करता हूं, ये रेजिस्टेंस 1, 2, 3, 4 एंड फाइनली वी गॉट दी ब्रेकआउट अलोंग विथ वॉल्यूम कंफर्मेशन, टू मेजर रीजंस। ऑलराइट, बाय करेंगे हम इसके हाई के ऊपर विच इज 1321, लेट्स कंसीडर 1322। स्टॉप लॉस रखेंगे हम ये कैंडल का लो, अगर इसके नीचे निकल रहा है दैट मीन इट्स अ ब्रेकआउट फेलियर, सो स्टॉप लॉस रखेंगे हम 1296 का। टारगेट रखना है हमको रेजिस्टेंस विच इज एट 1361, लेट्स कंसीडर 1360, अगेन नेक्स्ट रेजिस्टेंस विच इज एट 1395, अगेन नेक्स्ट रेजिस्टेंस विच इज एट 1440। ऑलराइट, 1322 के ऊपर बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है, 1296 का स्टॉप लॉस लगाना है, 1360 का फर्स्ट टारगेट, 1395 का सेकंड टारगेट, लास्ट टारगेट विल बी 1440। अब सेम इसी पे एक बार चेक कर लेते हैं आवर्ली चार्ट पे कुछ हमको अपॉर्चुनिटी है। सी ट्रेडर्स, अगर मैं रेजिस्टेंस को जोड़ता हूं अगेन, देखिए यहां पर ब्रेकआउट, एक रीजन ये मिल गया आपको कि आपको ब्रेकआउट कैंडल है ये आपकी, एक्चुअली ब्रेकआउट ये नहीं, ये कैंडल तो ग्लिच है, नेक्स्ट ये कैंडल है दैट मींस इसके ऊपर ब्रेकआउट होगा। सेकंड आपका रीजन ये हो जाएगा लाइक लो हाई, हाई लो हायर हाई, हायर लो हायर हाई, हायर लो हायर हाई, क्लियर अप ट्रेंड। देखिए आपके सामने अगर छोटे टाइम फ्रेम पे भी जाते हो तो भी कंसिडर किया जा सकता है ये ट्रेड को। आज का हमारा नेक्स्ट स्टॉक है वेदांता VEDL। वेदांता में एक बहुत ही ब्यूटीफुल ब्रेकआउट आया हुआ है, सी रेजिस्टेंस 1, 2, 3, 4 एंड फाइनली अ ब्रेकआउट, और जिस हिसाब से ये नैरो रेंज से ब्रेकआउट आया है तो आई डोंट थिंक कि ये रेजिस्टेंस पे रुकेगा और डायरेक्टली ये रेजिस्टेंस पे रुकेगा अगर वॉल्यूम सपोर्ट करता है तो। सो कंफर्मेशन के लिए हम बाय करेंगे इसको 199 के ऊपर, अगर इसमें हम थोड़ा सा रूम देंगे तो ये लेवल के नीचे हमको स्टॉप लॉस रखना है विच इज बिलो 189।
ये जोन का फर्स्ट टारगेट विल बी ओवर दिस विच इज एट 214. नेक्स्ट रेजिस्टेंस, नेक्स्ट टारगेट हम लोग का हो जाएगा विच इज एट 225. एंड लास्ट टारगेट जो हमारा लास्ट रेजिस्टेंस है 244. ऑलराइट, इसमें भी सिंपल सा रीजन है, आपका अच्छा खासा ये ब्रेकआउट आया हुआ है, ये पूरा का पूरा जो नैरो रेंज ट्रेड कर रहा था यहाँ पर स्टॉक, दिस इज अ नैरो रेंज, यहाँ पर फाइनली ब्रेकआउट आया हुआ है, वॉल्यूम में भी आप देख सकते हो यहाँ पर पॉप आया हुआ है, सो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी, अ ब्रेकआउट ट्रेड 199, ऑलमोस्ट 10 रुपीज का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, फर्स्ट टारगेट आपका 15 पॉइंट का है, नेक्स्ट टारगेट फिर उसी से ही 11 पॉइंट्स का है, उसका फिर नेक्स्ट टारगेट आपका 21 पॉइंट्स का है. ऑलराइट ट्रेडर्स, दिस इज इट, आज का हमारा ये वीडियो था, और ट्रेडर्स एक छोटी सी अनाउंसमेंट दी कि अभी आज है थर्सडे और कल फ्राइडे है, फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे ये 5 दिन हमारे वीडियोस नहीं आएंगे क्योंकि मैं पर्सनली जा रहा हूँ फैमिली वैकेशन पे बाहर, सो आई वोंट बी अवेलेबल इन ऑफिस ऑल्सो एंड वीडियोज भी क्रिएट नहीं होंगे, तो हम डायरेक्टली आपसे वेनसडे को मिलेंगे जो कि 6th ऑफ फेब. सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, हैव अ गुड डे, ट्रेड सेफ, कल बड़ा बजट डे है सो ट्रेड विद कॉशियस. नए ट्रेडर्स से रिक्वेस्ट है कि आप सिर्फ और सिर्फ कल पॉपकॉर्न लेके बैठिए और पूरा का पूरा स्क्रीन बैठ के एंजॉय कीजिए, ट्रेड बिल्कुल मत कीजिए, आप सीखिए समझिए उसके बाद ट्रेड करना स्टार्ट कीजिए. ऑलराइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग.